आज हम बनाएंगे चाय के साथ पनीर के पकोड़े। तो पनीर के पकोड़े के लिए हमने पनीर को छोटे छोटे पीस में काट दिया है, और यह हमारा 250 ग्राम पनीर है। इसे हमने इतने बड़े साइज में काटा है। इसके साथ हमने बेसन, जो हमारा 100 ग्राम बेसन है, इसे हमने घोल लिया है। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर, जीरा कच्चा, और इसमें हमने नमक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इसे घोल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, पनीर में हल्का सा नमक डालेंगे इस तरह से, और इसमें हम कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर इसे और भी चटपटा बनाना है तो पनीर के पीस में हम कूटी हुई लाल मिर्च को हमने डाला है। देखो, अच्छी तरह से इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे इसे सारे पनीर को। और अब हम इसे एक एक पीस को इस बैटर में डिप करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को पहले से चढ़ा दिया है, जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और पकौड़ों को तलने के लिए हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, जिसमें हमने सरसों का तेल डाला। ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें अच्छी तरह से पकौड़े को हम फ्राई करेंगे। और अब जो हमने ये रखा है पनीर के पीस को, उसे इस तरह से बेसन को का जो हमने बैटर तैयार किया है, उसमें इस तरह से डाल के इसे फ्राई करेंगे। आप इस तरह से इसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दोगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह से। आप इसे चाय के साथ बना सकते हो। और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, और मीडियम फ्लेम पे हाथों से इस तरह से एक एक पीस पनीर को डालेंगे गरम तेल में। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, और इसे आप खट्टी मीठी चटनी धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बारिश के मौसम में तो इसे बनाना ही चाहिए। और इसे बहुत हल्के हाथों से हम पलट लेंगे। ये देखो, गर्म गर्म पनीर के पकौड़े। तो अभी बारिश का मौसम है, और इसे आप घर पर आसानी से बना के खा सकते हो। इस तरह से इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च भी डाल सकते हो, और इसे हम बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन फ्राई करेंगे अलग से रख करके। हम इसे शाम के समय चाय के साथ बना रहे हैं। तो ये देखो, पनीर का पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और इसे अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। तो बाकी के भी पकौड़े हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। पहले इसे बेसन में डिप करेंगे, और हाथों से इस तरह से एक एक पकौड़े को डाल देंगे, पनीर को डालेंगे, एक एक पनीर को डालते हुए फ्राई कर लेंगे। तो सारे पकौड़े को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और इसे भी हम अलग पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये पनीर का पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाएंगे। और ये देखिए, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनके रेडी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हो, ये गर्मा गर्म है बिल्कुल। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और ये आप खट्टी मीठी चटनी धनिया पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो, जो कि बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। तो ये देखो, और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए
आप इस तरह से पकौड़े बना के इंजॉय करें, खाएं अपने घर पे। और ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर आप पूरा फुल वॉच के साथ देखें।